तेरी आराधना करते हैं, पिता तेरी आराधना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग क्रिस्तीय प्रभु येसु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ 107 एक में वचन कहता है, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। आइए मेरे प्यारे विश्वासियों, आज हम प्रभु की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि वो भला है, उसकी प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हम गाए हो सना तू राजा जेरेमाया का ग्रंथ अध्याय 31:3 में वचन कहता है, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रहती है। प्रभु का प्यार अनंत काल तक बना रहता है। हम वचन में और देखते हैं, सृष्टि के पहले प्रभु ने हमें चुना है क्योंकि उसने हमको प्यार किया है। सृष्टि के पहले प्रभु के मन में हम थे। लामेंटेशन चैप्टर 3:22-23 कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नया हो जाती है। हम कभी सोचे हैं कि प्रभु हमें कैसे प्यार करते हैं? हम प्रभु की प्रेम को महसूस कर पाते हैं क्या? जैसे वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में, आकाश के पंछियों को प्रभु संभालता है, जो ना बोते हैं और ना लूनते हैं, फिर भी प्रभु उन्हें संभालता है। तो वही प्रभु जिसने हमें बनाया है अपने हाथों से, हमें क्यों ना संभालेगा? क्योंकि हम प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान हैं। We are engraved in the hands of the Lord। प्रभु ने हमें प्यार करता है, हमें संभालता है, जो हमारे शारीरिक आवश्यकताओं को जानता है और पूरी करता है। वो हमारे लिए सोचता है तो वो हमारे आत्माओं के लिए भी सोचता है, ताकि हम आत्मा में भी जीवन प्राप्त करें और सदा के लिए उसकी संतान बन जाए। संत जॉन के सुसमाचार अध्याय 3:16 में वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। वही पिता ईश्वर की प्रेम को हम अभी महसूस करते हुए यह गाना के माध्यम में उसकी महिमा करें। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। यस फादर, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे प्यारे पिता, तूने हमसे
से कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान दिया। हम गाए हो सना पूरा जाओ जॉन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यस, यीशु इस संसार में हमें जीवन प्रदान करने आया। वह जीवन परिपूर्ण जीवन है। जॉन 6:39 में और भी हम पढ़ते हैं, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यही है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हाँ, प्रभु यीशु इसलिए हमारे बीच आया कि हम उसे विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें। पिता जैसे हमको इतना प्यार किया और अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा, प्रभु ईसा भी हमको वैसे ही प्यार किया। जैसे वचन कहता है, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मेरे प्यारे विश्वासियों, ये पवित्र यूक्रिस्त उसकी प्यार की चिन्ह है, जो प्रभु यीशु ने अपने इनिशिएटिव लिया कि वो हमारे बीच में सदा रहेगा। वो हमारे लिए केवल अपना जीवन का कुर्बान नहीं दिया है, वो हमारे लिए सदा रहने के लिए भी उसने चाहा। जैसे हम हर दिन उसकी ओर देखें और जीवन प्राप्त करें, इसीलिए फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 9 और 10 में वचन कहता है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिससे ईसा के नाम सुनकर आकाश पृथ्वी तथा अधलोक के सब निवासी घुटने टेके। आइए हम प्रभु ईसा मसीह, जो हमारे बीच में पवित्र यूक्रिस्त के रूप में उपस्थित है, उसके गहरे प्रेम का अनुभव करते हुए ये गाना और हम गा के प्रभु की महिमा करें। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तू राजा का है राजा, तेरी महिमा हो
इसमें प्यारे भाई और बहनों, प्रेज लॉर्ड। आज मनन का विषय है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 प्रसंग 34 से लेकर। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताएं तुम्हारे मन को कुंठित हो जाए और उस दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचते और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हमें किस प्रकार चौकसी बरतना है, इस पर प्रभु ने हमारे सामने बात रखी है। संत लूकास का सुसमाचार में हम किस प्रकार हर समय हमारे जीवन में हमारी मृत्यु के लिए तैयार रहना है, उसके बारे में हमसे बताया गया है। लेकिन मैं आप सबों का ध्यान एक ही शब्द पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऐसा लिखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए। और इसमें मैं सिर्फ नशे के बारे में आज आप सबों के साथ में दो बात करना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, मानता हूं वे सेकंड जनरेशन, एक प्रकार से बताया जाए सेकंड जनरेशन के लोग हैं, युवा युवतियां हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पहले जनरेशन आपके माता पिता के होते हैं, जो ईश्वर की कृपा से अच्छी नौकरियों में है, सरकारी नौकरियों में है, या अन्य इस प्रकार के मेहनत करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और आज ईश्वर की कृपा से बड़ी अच्छी जगह पर वे तैनात है और बहुत अच्छी तरह से जिंदगी चल रही है, पैसे की इतनी बहुत कमी नहीं है। और मैं अधिकांश इस वक्त जिनसे बात कर रहा हूं, वे ही मेरी बातों को सुनते हैं, इसलिए मैंने कहा सेकंड जनरेशन से मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपने जिंदगी में बहुत ज्यादा तंगी नहीं देखी है। और इस जनरेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखा है कि जिस तरह से पहले का जनरेशन हुआ करते थे, उतने मेहनती नहीं है।
इतने मेहनती इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अच्छा समय देखा है। आपके माता पिता ने शायद ही आपके उनके जीवन में अच्छा समय देखा हो और इसलिए वह दिन रात मेहनत करके बहुत परिश्रम करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और ईश्वर की कृपा से बड़ी अच्छी जगह पर प्रभु ने उन्हें पहुंचाया भी है। तो इसलिए आज के ये जनरेशन बहुत कम तंगी को महसूस किया है। इजी मनी, प्यारे भाई और बहनों, जहां पर भी इजी मनी होता है वहां पर बर्बादी होती है। हमने देखा है कि आजकल के जनरेशन, विशेष रूप से युवा, युवतियों से ज्यादा युवा नशे के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने मेरे नजरों के सामने नशे के शिकार होते, अपने जिंदगियों को बर्बाद करते हुए देखा है। एक कारण अपने माता पिता का दौलत हो सकता है, दूसरा एक और कारण है कि आज पहले जैसी स्थिति नहीं रही। आप अगर अपने आप में परिश्रम करते हैं तो सफलताएं आपके हाथ लग सकते हैं और इसी वजह से एकदम से आपके पास बहुत सारे धन आ जाने से यह भी एक बर्बादी का कारण मैंने देखा है। वहां पर भी इसी मनी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है। जब बड़ा परिश्रम ना करे हुए अपने हाथ में बहुत पैसे आते हैं तो पैसे को उड़ाने का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे खतरनाक तरीका नशाखोरी होती है। युवाओं से मैं बात कर रहा हूं, आप में से काफी लोग अपने जिंदगी को या बर्बाद कर रहे हैं या बर्बाद कर चुके हैं इस नशाखोरी के कारण। इसका मुख्य कारण मैं मानता हूं इजी मनी है। उसमें भी आपकी माता पिता का भी थोड़ा बहुत हाथ जरूर हो सकता है। अपने बच्चों को तमाम ख्वाहिशों को पूरी करने वाले माता पिता अपने बच्चों के बर्बादी का मुख्य कारण होते हैं। मैंने देखा हूं या पढ़ा भी हूं और सुना भी हूं, जब लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और विशेष रूप से मेहनत करके वह अमीर बनते हैं, अपने बच्चों को एकदम से सारी चीजें नहीं देते हैं। रोनाल्डो के बारे में सुना हूं, उन्होंने अपने पुत्र को अभी तक मोबाइल तक नहीं दिया है ताकि वे अपने जीवन में भी एक कमी महसूस करे, अभाव महसूस करे। लेकिन आजकल के माता पिता ये बात कम समझते हैं। वे समझते हैं कि प्यार इसलिए इजहार होता है कि आपके बच्चों का तमाम इच्छाओं को पूरा कर ले। ये उनके जीवन में बर्बादी का सर्वप्रथम सीढ़ी होती है, पहला पायदान होता है। प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में मेहनत करके जो सफलता पाते हैं वो हमेशा सफल रहेंगे। जो एकदम से शॉर्टकट से मेहनत करे बिना सफलता के ऊंचाइयों को जब पहुंचते हैं वहां से गिरने की बहुत ज्यादा चांसेस है। नशाखोरी उसके लिए मुख्य कारण हो सकता है। जब आपके पास में बहुत सारे धन यूं ही हो जाते हैं, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नशाखोरी एक मुख्य कारण हो सकता है। मैं उन तमाम युवाओं को विशेष रूप से प्रभु के वचनों के द्वारा सचेत करना चाहता हूं। अगर आप अपनी जिंदगी को एक सफल जिंदगी बनाना चाहते हैं, नशा की इस आदत से छुटकारा जल्द से जल्द पाए, कुछ भी करके नशे की इस बुरी आदत से छुटकारा पाए, अन्यथा आप आपकी जिंदगी की बर्बादी खुद के हाथों पर लिखोगे। प्यारे भाई और बहनों, बड़ी चिंता का विषय है और इसलिए मैं इस बात को आप सबों के साथ आज साझा कर रहा हूं। जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, विशेष रूप से जो युवा मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को सफल बनाना हो, एक अच्छा इंसान बनाना हो, एक अच्छी परिवार बनाना हो, तो विशेष रूप से नशाखोरी से अपने आप को दूर रखे। प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर।
उससे प्यार करता, खुशी के साथ मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में सबसे सुंदर सा वाक्य है जब प्रभु हमसे कहते हैं आई लव यू, आई ऑनर यू एंड योर प्रेशियस इन माई साइट, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारा आदर करता हूँ, तुम मेरे लिए मूल्यवान हो। इसायास नबी का अध्याय 43 पद संख्या 3, 4, 5 का ये जो वाक्य है वो हमारे दिल को बहुत तसल्ली देता है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें प्रेम करने वाला, हमें अपनाने वाला, हमें सम्मान देने वाला, हमारा कोई वैल्यू है समझने वाला ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है। लेकिन प्रभु हमारे दुख को जानते हुए ही उन्होंने वचन में लिख कर रखा है आई लव यू, आई ऑनर यू एंड यू आर प्रेशियस टू मी। प्रभु हमसे प्यार करता है, वो हमारा आदर करता है, सम्मान देता है और हम उसके लिए बहुत मूल्यवान हैं। दुनिया में लोग हमें मूल्य ना दे, दुनिया के लोग हमारा आदर ना करें, दुनिया में लोग हमें प्यार ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु हमें बहुत प्यार करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस विश्वास के साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई अरविंद तिर्की के लिए, पवित्र आत्मा के एक नए अभिषेक से प्रभु जी इन्हें भर दीजिए, प्रभु जी इनके मन में जो तड़प है आत्मा के लिए उसे आप पूरा कर दीजिए, प्रभु जी हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से भी इन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टीना के लिए, प्रभु जी उनके वैवाहिक जीवन में प्रभु आपकी शांति हो, आशीष हो। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अंशुमन टोपो के लिए, प्रभु जी पढ़ाई में ये बच्चा जो पीछे जा रहा है, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, इस बच्चे को समर्पित करते हैं। इस समान और हजारों बच्चों को समर्पित करते हैं जो मोबाइल्स के एडिक्ट हैं, जिनको पढ़ाई नहीं करना है, जो ऐसे ही रहते हैं, एग्जाम्स नहीं लिखना है, सिर्फ घर में बैठना है या घूमना है, ऐसे सभी बच्चों को प्रभु आपकी विशेष आशीष हो। प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी से इन्हें छुड़ा दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की बुरी आदतों से इन्हें बचा लीजिए प्रभु, ताकि वे अपने जीवन में अच्छी पढ़ाई कर आगे निकल सके। हम प्रार्थना करते हैं जेफ्री के लिए प्रभु जी, सलीम के लिए प्रभु जी, जो विदेश में है और जिनके जॉब्स नहीं है अभी, ओ प्रभु वहाँ पर कितनी दिक्कतें होती है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। प्रभु जो विदेश में जॉब करने गए हैं और जिनके जॉब्स नष्ट हो गए हैं, उन सभी भाई बहनों को अभी समर्पित करते हैं। प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे लिए नए दरवाजे खोल कर देने वाले प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना, 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 तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। Thank you Jesus, 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 Jesus. Teri stuti, teri aaradhana, teri stuti, teri aaradhana, aaradhana, aaradhana. We worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, 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 Jesus. Chahe sab mujhe ko thukraye, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे खुशी के प्यार करता, मुस्कुराते हुए प्रभु को देखते हुए गाए, उससे भर जाता, यस लॉर्ड, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा जाता। कई बार हमारे जीवन में असफलताएं आती है, लोग हमें बहुत ताना मारते हैं, लोग हमें सबके सामने नीचा दिखाते हैं, गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, हमारे पीठ पीछे बोलते हैं और हमें बहुत दुख होता है। लेकिन प्रभु एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने यह सब अपने जीवन में अनुभव किया था। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पूर्ण रूप से इंसान थे, पूर्ण रूप से ईश्वर थे,
तो हमने जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में फेस किया है या कर रहे हैं, वह सारी प्रॉब्लम्स पाप को छोड़ प्रभु येसु ने भी अपने जीवन में सहा है या सामना किया है। इसीलिए ही संत पौलुस हमसे कहते हैं, हमारी तरह, हमारे जैसा एक इंसान जो हमारी वेदनाओं को, जो हमारे प्रलोभन तक को समझ सकता है, ऐसा एक यीशु हमारे साथ है। इस विश्वास के साथ मुझे स्वास्थ्य देने वाला, मेरे हृदय को चंगाई देने वाला, आश्वासन देने वाला जीवित यीशु इस वेदी पर उपस्थित है, मेरे लिए, मेरे सामने, मेरे परिवार में उपस्थित है। हम विश्वास करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु, आज हम विशेष रूप से अबिगेल जॉन के लिए प्रार्थना करते हैं जो SLE बीमारी की शिकार है। प्रभु जी, ऐसे कई बच्चे हैं जो SLE या ऑटो इम्यून डिसीजेस से बीमार है, इन सभी बच्चों को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, ये छोटे बच्चे बचपन से ही स्टीरॉइड्स के अधीन हो जाते हैं प्रभु जी, दवाइयों के अधीन हो जाते हैं प्रभु जी, इनके ऑर्गन्स धीरे धीरे ख़त्म होते जाती है प्रभु जी। ऑटो इम्यून डिसीज से तड़पने वाले हर एक बच्चे के जीवन में प्रभु, हर प्रकार की डिसीज से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। इनके शरीर में आपका पवित्र लहू बहे प्रभु जी, और हर प्रकार के ऑटो इम्यून डिसीज से इन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मोनिका के लिए प्रभु जी, उनके निराशा भरे जीवन में आपकी आशा भर दीजिए प्रभु जी, आपका प्रेम भर दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों से इन्हें छुटकारा, मुक्ति दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रदीप तिर्की के लिए प्रभु जी, जो पैरालाइज है प्रभु जी। ऐसे पैरालाइज कई भाई और बहन रोज हमसे प्रार्थना की गुहार करते हैं प्रभु जी, आपके सामने गुहार हम लेकर आते हैं प्रभु जी। चंगाई देने वाला आप हो प्रभु जी, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला आप हो प्रभु जी। ओ प्रभु, अर्धांग रोगी को चंगाई देने वाले प्रभु, इन सभी भाइयों और बहनों के आंसुओं को देखिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रेम सिंह के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। प्यारे भाई और बहनों, इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से प्रार्थना करें उन सभी भाई बहनों के लिए जो बुरे सपने देखते हैं, जिनको बहुत आवाजें सुनाई देती है, जो हमेशा अकेले में डरते हैं, जिनको हमेशा लगता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है या रात को कोई मुझे दबोच रहा है। ओ प्रभु, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस आशीष के द्वारा प्रभु, आप में से शक्ति निकलकर हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार की नेगेटिविटी से, हर प्रकार के भय से, हर प्रकार की बुरी चिंताओं से ऐसे भाई बहन जो पीड़ित हैं, उन्हें छुटकारा मिले, उन्हें चंगाई मिले। Let there be mighty deliverance in your powerful name of Jesus. Let there be mighty deliverance by the power of your precious blood. आपके पवित्र लहू द्वारा इन सब को छुटकारा मिले, चंगाई मिले। इसके लिए स्तुति करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति, 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 स्तुति। मुंह खोलकर प्रभु का नाम लेते हुए हम स्तुति करें। ओ जीसस, 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 जीसस। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। यीशु आराधना, 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 आराधना। यीशु आराधना, 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 आराधना। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। आराधना, 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 आराधना। Jesus, 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 Jesus. चाहे बाबा मुझको भूल जाए, 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 मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे